आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से कुर्मी समाज पूरी तरह ऊब चुका है। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने कमेरों के नाम पर राजनीति किया, लाल पटेल जी ने, आज उनके नाम को भी उन्होंने को मोदी सरकार के चरणों में रखने का काम किया, जो अक्षम है। आज देश परेशान इसलिए है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक व्यापारी सोच का है। आज उत्तर प्रदेश परेशान इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु संत है, वो भी कौन सा, जिसके यहाँ कई टन खिचड़ी फ्री में चढ़ावा जाता है। तो भैया खेत को तो साढ़ चढ़ेगा ही चढ़ेगा कि अगर जो कुर्मी समाज के साथ, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे लोहार हो, चाहे बिंद हो, चाहे महार हो, या एससी वर्ग की तमाम जातियां जो है वो आसानी से जुड़ जाती हैं। तो जो कृषि मॉडल है भूपेश बघेल जी का, वो घोषणा पत्र में शामिल होगा उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से। माननीय भूपेश बघेल जी ने कृषि का मॉडल स्थापित किया है, छत्तीसगढ़ कृषि मॉडल, जैसा हमारे साथी ने बताया। उत्तर प्रदेश के कई विधानसभाओं से कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाए भी हैं, वो लोग वहां जाएंगे, वहां का मॉडल देखेंगे और निश्चित रूप से अगर आगे चल के कांग्रेस की सरकार यहां बनेगी तो हम लोग उसको लागू करेंगे। उत्तर साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ के होटल लीनेज में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बनाए गए चुनाव को लेकर भूपेश बघेल जी आज यहां आए हुए थे। कार्यक्रम के आयोजक मंडल में शामिल तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बीरेन चौधरी जी से शुरुआत करते हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप, क्या मकसद था? आप कह रहे थे कि राजनीतिक मामला नहीं है, लेकिन राजनीति की बात होगी जब चीफ मिनिस्टर आएंगे तो। ये तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं भी अगर कोई नेता है तो सामाजिक संगठन में भी बैठेगा तो अपनी बात तो कहेगा ही कहेगा। और क्या मकसद है? मकसद है अपने लोगों के विचार लेना, अपने लोगों की उन तमाम समस्याओं से वाकिफ होना जो समाज में व्याप्त है। और मुख्यमंत्री जी ये चाहते थे कि हम अपने समाज के तमाम सामाजिक संगठनों से मिलें और उनकी बात सुने और अपने परिवार की तरह उनके बैठ के और उनकी बातों अपनी बातों को उनको तक पहुंचाएं, यही उनका मुख्य मकसद था। समाज के प्रतिनिधित्व की बात भी यहां पर हुई, किस हद तक प्रतिनिधित्व मिलेगा समाज को? जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पहले से ही जिस तरह से चाह रही है और अभी भी स्पष्ट उन्होंने कहा कि अगर वो सीटें हैं जो मजबूत जीतने लायक लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कुर्मी समाज आगे बढ़ के जीत सकता है, तो हम उन सभी सीटों पे अपने समाज के लोगों को आगे करेंगे और उनको प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया, जैसा आपने सुना भी है। जयकरण वर्मा जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं आप, इस कार्यक्रम के आयोजन में भूमिका भी रही आपकी, क्या लगता है समाज में इस कार्यक्रम का संदेश जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम कुर्मी समाज के संगठनों ने, बुद्धिजीवियों ने माननीय भूपेश बघेल जी से मिलने की इच्छा जाहिर की और माननीय भूपेश बघेल जी भी कुर्मी समाज के बेटा होने के नाते उत्तर प्रदेश के तमाम उन कुर्मियों से मिलना चाहते थे जो कुर्मी समाज की उन्नति चाहते हैं, प्रतिनिधित्व चाहते हैं। आज उसी क्रम में हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश के कुर्मी समाज को बिठा करके बातचीत करने का काम किया और ये विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही नहीं, जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के कुर्मियों के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि उत्तर प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी साथियों ने मुख्यमंत्री जी का बड़े ही हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत किया, इसलिए मैं तमाम अपने उत्तर प्रदेश के संगठन के साथियों का आभारी हूं कि जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री की बातों को सुना और अमल करने का काम किया। कृषि मॉडल भी बताया मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का कृषि मॉडल यहां कैसे लागू हो पाएगा? देखिए, विश्वास और लगन, आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो यहां पर कुर्मी समाज के रूप में आए थे, लेकिन आज वो गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, मजदूरों के नेता हैं, कह लीजिए तो तबे कुचलों की आवाज है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और आज जिस प्रकार से कह रहे वहां का मॉडल यहां, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को जो सुख सुविधा छत्तीसगढ़ में देने का काम किया है, जो व्यवस्था उनको देने का काम किया है, और उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को अपने यहाँ बुलाया भी है और कहा कि हमारे कथनी और करनी में कोई विश्वास नहीं, उत्तर प्रदेश से बहुत से किसान छत्तीसगढ़ जा करके उनके द्वारा किसानों को क्या व्यवस्था दी जा रही है इसको देखने का भी काम करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी के मेहमान होंगे उत्तर प्रदेश के किसान। मेरे साथ तरुण पटेल जी हैं, आप किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लगातार डिमांड कर भी रहे हैं कि किसान मुख्यमंत्री, तो किसान का मतलब जाति या किसान? किसान का मतलब वर्ग,
और आप एक चीज समझिए, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करवा रही है और वो वर्ग की राजनीति को कमजोर कर रही है। किसान एक बड़ा वर्ग है और किसान में सारी जातियां आती हैं। हमारा कहना है कि अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो राजा होता है उसका एक धर्म भी होता है, जो राजा का धर्म होता है वही राजधर्म बन जाता है। आज देश परेशान इसलिए है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक व्यापारी सोच का है। आज उत्तर प्रदेश परेशान इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु संत है, वो भी कौन सा, जिसके यहाँ कई टन खिचड़ी फ्री में चढ़ावा आ जाता है। तो भैया खेत को तो सांड चढ़ेगा ही चढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर एक किसान या किसान का बेटा या किसान जहनियत का व्यक्ति होगा तो देश का प्रधानमंत्री इतना संवेदनहीन नहीं होगा कि 11 महीने से किसान बिल पे यानी किसान कानून पे विरोध कर रहा होगा। तो मैं अपनी पार्टी में भी बहुत जिम्मेदारी के साथ, समाज में भी बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक किसान या किसान का बेटा होना चाहिए, किसान जहनियत का व्यक्ति होना चाहिए। सारी पार्टियाँ किसान की बात कर रही हैं, सारी पार्टियाँ किसान की बात कर रही हैं। जिसको मुरई और तरोई उगाने में फर्क नहीं है वो किसान पे मर्म लगा रहा है। हम किसान के बेटों ने, नौजवानों ने खुले तौर पे कहा है कि अब खाली बात नहीं होगी। और हम लोगों को ये खुशी की बात है कि भूपेश बघेल जी जैसे हम लोगों को नेता उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं सहयोग करने के लिए। हम लोग अपनी पार्टी में भी बहुत जिम्मेदारी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ इस बात को कह रहे हैं कि आपका छत्तीसगढ़ आज खुशहाल है। कोरोना के टाइम पे भी खुशहाल इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी किसान, मुख्यमंत्री बनने से पहले, कांग्रेस पार्टी के नेता बनने से पहले एक किसान के बेटे हैं। एक और प्रदेश महासचिव हैं अभिषेक पटेल जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी एक फेस हो गए, आपने लाया समाज के सामने प्रेजेंट किया, भूपेश बघेल जी को देख करके उत्तर प्रदेश के कुर्मी क्यों वोट दे देंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में एक सरकार सत्ता है, पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया कुर्मी समाज से आते हैं। अभी एक पटेल यात्रा वो निकाल रहे हैं जिससे सवार सरदार पटेल नजर आते हैं, जिस फोटो से उनके किसी बैनर में सरदार पटेल नहीं है। ये वो दल है जिसने हमारे, जो हमारे समाज के लोग रहे उनका अपमान किया है। साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय था, उसका नाम परिवर्तन करने वाले ये लोग थे। इनका प्रदेश अध्यक्ष जरूर कुर्मी है लेकिन वो सिर्फ बाबू का काम करते हैं, वो सिर्फ लिखा पढ़ी का काम करते हैं। इससे उलट अगर उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस में आज एक उपाध्यक्ष, 6 महासचिव, 5 सचिव और लगभग 10 जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने कुर्मी को दिया है। तो एक नेतृत्व कुर्मियों में दिया है। और जिस तरीके से एक गुजरात मॉडल 2014 में बताया गया जो कि पूरी तरीके से फेक मॉडल था, कहीं कोई मॉडल नहीं था, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने कृषि का मॉडल स्थापित किया है, छत्तीसगढ़ कृषि मॉडल, जैसा हमारे साथी ने बताया। उत्तर प्रदेश के कई विधानसभाओं से कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाए भी हैं, वो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का मॉडल देखेंगे और निश्चित रूप से अगर आगे चल के कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी तो हम लोग उसको लागू करेंगे उत्तर प्रदेश में। जो कृषि मॉडल है भूपेश बघेल जी का वो घोषणा पत्र में शामिल होगा उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से शामिल होगा। और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश और खास करके उस कम्युनिटी, जो हम लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कुर्मी समाज, वो 90% खेती से जुड़ा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का जो आपने अभी देखा, जेखन भाई ने भी कहा, जो बुलावा उनका आया है, हम लोग उस पर तैयारी भी कर रहे हैं कि हर विधानसभाओं से 5-5 लोगों को, अपने समाज के लोगों को, खासकर किसान बंधुओं को, जो किसान एक ग्रुप है, उसको भेजेंगे। और मुख्यमंत्री जी दावत दे के गए हैं तो वो देख के आएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में वो लागू करने का प्रयास करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। इससे हमारे समाज का, उत्तर प्रदेश का भी भला होगा, एक नया मॉडल के रूप में कृषि, छत्तीसगढ़ कृषि के लिए उभरेगा। हाल वही है, मैंने पूरी बात उनकी सुनी। जैसे अरविंद केजरीवाल हर जगह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसी तरीके से भूपेश बघेल जी हर जगह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश में उनका विकल्प है कौन? आपने देखा नहीं, उन्होंने कहा वो तो तलाश कर रहे हैं। जो समाज बड़ी मजबूती के साथ किसी एक नेता के पीछे लामबंद हो करके उसके पीछे खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि भाई ये हमारा चेहरा है, इसको आगे करो, हम वोट देंगे, तो कांग्रेस पार्टी तो चेहरों को तलाश ही कर रही है। कब तक होगी तलाश पूरी? 23 दिसंबर, 25 दिसंबर तक, 7 जनवरी तक। और एक चीज जान लीजिए, मतलब घोषणा करवा के रहेंगे? करवा के रहेंगे और राहुल गांधी जी से करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में बिना चेहरे के मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए किसी भी इंटरव्यू में, आप भी किसी का इंटरव्यू करेंगे, लगातार हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी इंटरव्यू होता है, कहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अखिलेश यादव के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, मायावती के खिलाफ एक मजबूत तेवरदार चेहरा देना पड़ेगा जिसकी अपनी जाति हो।
जो किसानी जहनीत का हो। मेरा अपना मानना है कि किसान परिवार को, किसान कुनबे को, किसान जहनीत के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार को तेज करना चाहिए। आज की मीटिंग के बाद क्या अब ये सक्रियता आगे देखने को मिलेगी? नीरज जी, आप तो बहुत खोजी पत्रकार हो, आप वो बातें दिखाते हैं जो शायद कोई मीडिया नहीं दिखा पाता। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी का आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एक हफ्ता पहले ही पूरे प्रदेश में 6 बड़े कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है। संभवतः 2-4 दिन में हमें कार्यक्रम भी मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश से लगभग 16 जगह ऐसी है जो कुर्मी समाज के लोग कुर्मी सम्मेलन के नाम पर उनको मुखातिब बना करके एक बहुत भारी जमावड़ा करना चाहते हैं। तो सक्रियता नहीं और क्या है नीरज जी, जाति से काम चल जाएगा? जाति से तो सब कुछ होने वाला है। आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जो कुर्मी समाज के साथ, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे लोहार हो, चाहे बिंद हो, चाहे महार हो, या SC वर्ग की तमाम जातियां जो है वो आसानी से जुड़ जाती हैं। दुख तो इस बात का है कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आज ना उनके साथ कुर्मी जुड़ना चाहता है, ना बढ़ई जुड़ना चाहता है, ना लोहार जुड़ना चाहता है, ना दलित समाज का बेटा जुड़ना चाहता है। कुर्मी समाज पवित्र होता है, वो कभी चोरी डकैती में विश्वास नहीं करता, वो अपने संबंधों में विश्वास करता है, एक दूसरे की सेवा में विश्वास करता है, अपना सर कटा करके दूसरे के सम्मान देने में विश्वास करता है। इसलिए हमें विश्वास है कि कुर्मी समाज अगर जो आगे बढ़ेगा तो इस प्रदेश का ही नहीं पूरे देश के साथ न्याय होगा और भाईचारा पैदा होगा। आपकी सक्रियता से अन्य पार्टी में जो नेता है उनको भी कुछ लाभ मिल सकता है। नीरज जी, ये तो ठीक है, तो एक्सीडेंटल मामला हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से कुर्मी समाज पूरी तरह उब चुका है। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने कमेरों के नाम पर राजनीति किया, कुर्मियों के साथ के न्याय दिलाने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने। आज उनके नाम को भी उन्होंने को मोदी सरकार के चरणों में रखने का काम किया, जो अक्षम्य है। हमारी बहन अनुप्रिया को ये करके अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कुर्मियों को जो सम्मान देने जा रही है वो दे रही है। इससे हमारा कुर्मी समाज स्वाभिमानी होता है, सम्मान चाहता है। किसानों की जब बात होगी तो स्वाभाविक तौर पर एक ऐसा वर्ग है जिसको आरक्षण की भी जरूरत है, आरक्षित वर्ग में आता है। आरक्षण के बारे में भी क्लियर कट कांग्रेस का रवैया होना चाहिए, क्या है? देखिए, जब किसान जहनीयत का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो जातिगत जनगणना पे भी वो बात करेगा। किसान के दरवाजे पर उसकी जो फसल है उसको सही कीमत मिले उसकी बात करेगा। किसान अपनी खेत में जो लागत लगाता है वो लागत कम लगे वो उसकी बात करेगा। उसके बच्चों का भविष्य जो चौपट हो रहा है, दिन भर वो अपना काम कर रहा है, रात में साँड़ रखा रहा है, उस पर भी बात होगी। यानी किसान जहनीयत से हमारा आशय ये है कि किसान के दरवाजे से न साधु, न सन्यासी, न फकीर, न गरीब, न व्यापारी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो हमारा ये सिर्फ किसान मुख्यमंत्री का जुमला नहीं है, हम किसान जहनीयत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं। जब किसान जहनीयत का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक किसान का बेटा आज कांग्रेस से मुख्यमंत्री है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में जब एक किसान जहनीयत का व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी में से पूरी आबादी संतुष्ट होगी, खुश होगी और प्रगति के तरफ आगे बढ़ेगी। आरक्षण को नुकसान नहीं होने देंगे? आरक्षण की तरफ नुकसान नहीं होगा, बल्कि आरक्षण बढ़ाने की बात होगी। देखिए, मैं नए नौजवानों से आप चूंकि लगातार बात करते रहते हैं नीरज जी, 27% सोल्यूशन नहीं है। आबादी 56%, हिस्सा 27%, जी की आबादी 14%, वही का रिजर्वेशन 56%, तो मांगिए नहीं, छीनना पड़ेगा। और हम लोग किसान हैं, समाज के लोग हैं, और जब किसान जहनीयत का आदमी, आप देख लीजिए पूरे देश में जहां जहां किसान जहनीयत के लोग मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रजा, उनकी जनता खुश है। 2022 का चुनाव नजदीक है, इस तरह की तमाम सारी मीटिंगें देखने को मिलेंगी। नेशनल जनमत जाति में भरोसा नहीं करता, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है जो आप बोलेंगे बिना कट के हम जनता को जरूर दिखाएंगे। फैसला आपको लेना है कि 2022 में आप किसके साथ जाते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।